दोस्तों, अगर आपका भी चैनल मोनेटाइज हो गया है या फिर बहुत जल्द मोनेटाइज होने ही वाला है तो ये वीडियो आप लोग के लिए ही है। तो आ गए आप लोग। दोस्तों, YouTube पे चैनल मोनेटाइजेशन के बाद बहुत सारे सेटिंग्स है जिन्हें हमें खुद से इनेबल करना होता है, अदरवाइज हमारी अर्निंग ही नहीं हो पाएगी। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, चैनल मोनेटाइजेशन के लिए दो क्राइटेरियाज है, एक ये और एक ये। बेसिकली हम कह सकते हैं हाफ मोनेटाइजेशन एंड फुल मोनेटाइजेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हाफ मोनेटाइजेशन के बाद क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और उनको एक्टिव कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। फिर जब आपका चैनल फुल मोनेटाइज हो जाता है फिर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और उन्हें कैसे एक्टिव करना है, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, तो वीडियो को लाइक और अपना कोई भी एक सवाल या फिर एडवाइस कमेंट में जरूर डाल देना। तो देखो दोस्तों, जब आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर लोगे तो फिर आपको सीधा अपने YT स्टूडियो में आ जाना है और फिर यहाँ पे ये अर्न वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि हाफ मोनेटाइजेशन पे YouTube हमें क्या क्या फीचर्स देता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 3 वेज मिलते हैं टू अर्न मनी फ्रॉम YouTube। सबसे पहले ये थैंक्स का, फिर ये मेंबरशिप और फिर ये शॉपिंग। अब आपको इन सब को एक एक करके इनेबल करना होता है क्योंकि ये डिफॉल्ट डिसेबल्ड ही रहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सुपर्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको बेसिकली डोनेशन का ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लो आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो आप मुझे अपना एक थैंक्स दे सकते हो। इस सुपर थैंक्स के फीचर को जब मैं इनेबल कर दूंगा तो आप कुछ इस तरह से मुझे थैंक्स दे सकते हो। इसी तरीके से आप भी अपने चैनल पे सुपर थैंक्स को इनेबल कर सकते हो। जब भी आपको कोई सुपर थैंक्स करता है तो वो मिनिमम आपको 20 रुपीज और मैक्सिमम 10,000 तक का सुपर थैंक्स एक बार में कर सकता है। जैसे देखो, यहाँ पे मेरे दोस्त ने मुझे 220 रुपए का थैंक्स किया था, एक बार 100, फिर 100, फिर एक बार 20 करके। एक्चुअली हम लोग टेस्टिंग ले रहे थे 100 रुपए सेंड करके कि फिर YouTube हमें कितना कमीशन काट करके पैसे देता है। तो फिर मुझे पता चला कि YouTube ने अपना 45% कमीशन काट कर और 55% मुझे दे दिया। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे देखो सुपर चैट का ऑप्शन। इसमें आप बेसिकली लाइव स्ट्रीमिंग करके अर्निंग कर सकते हो। अगर आप अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो आपके सब्सक्राइबर आपसे सुपर चैट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फिर उसी तरीके से यहाँ पे सुपर स्टिकर वाले फीचर से भी जब आप लाइव आते हो तो आपके सब्सक्राइबर कुछ स्पेशल एनिमेटेड जीफ्स सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो ये तीनों के तीनों जो फीचर्स हैं, ये तीनों के तीनों फैन बेस्ड फीचर्स हैं। मतलब आपके सब्सक्राइबर अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या फिर कह लो कि आपके वीडियो से उनको कुछ ऐसा मिल जाता है कि उनको लगता है कि हाँ, आपको कुछ डोनेट करना चाहिए अपनी खुशी से, तो फिर ये फीचर्स काम आते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात बता दूं, इन फीचर्स से आपकी अर्निंग ना के मात्रा में ही होती है। फिर आपको यहाँ पे इन तीनों को इनेबल कर देना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे आपको मेंबरशिप वाले फीचर पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आखिर मेंबरशिप होता क्या है। तो मेंबरशिप बेसिकली एक ऐसा फीचर है, जैसे समझो कि आपने अगर मेरे चैनल का मेंबरशिप ले लिया तो आप मेरे प्रीमियम सब्सक्राइबर हो गए या फिर कह लो कस्टमर हो गए, जिनको मैं स्पेशल बेनिफिट्स दूंगा। जैसे अगर आप मेरा मेंबरशिप ले लेते हो तो आपका चैनल का आईडी या फिर लोगो कुछ इस तरीके से मेरे चैनल के डैशबोर्ड में विजिबल रहेगा। फिर अगर आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हो तो आपका कोई भी कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ इस तरीके से स्पेशली शो किया जाएगा। फिर आप मेरे लाइव आने पे कोई भी कमेंट या फिर मैसेज करते हो तो सबको वो हाईलाइट में शो होगा कुछ इस तरह से। फिर आपको मेरे वीडियो का अर्ली एक्सेस मिल सकता है और भी बहुत कुछ मिलते हैं, वो मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूँ। तो आपको इन तीनों ऑप्शंस को इनेबल करके इस कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको टेम्पलेट चूज करना होगा। यहाँ पे आप अपने सब्सक्रिप्शन का लेवल और उसका चार्ज क्या होगा उसको सेट कर सकते हो। जैसे देखो दोस्तों, जब आप नेटफ्लिक्स या फिर हॉटस्टार या फिर प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे अगर आपने बेसिक लेवल का प्लान लिया तो उसमें आपको सिर्फ HD तक का ही वीडियो शो होगा और कुछ ही वीडियोस आपको फ्री मिलेंगे। फिर उसी तरीके से अगर आपने स्टैंडर्ड लेवल का प्लान लिया तो आपको फुल HD तक का वीडियो शो होगा और कुछ ज्यादा वीडियोस आपके लिए फ्री रहेंगे। और वहीं पर अगर आपने प्रीमियम प्लान ले लिया तो आपको सारे वीडियोस फ्री और उसके साथ साथ 4K तक का स्ट्रीमिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे अपने मेंबर के लिए मेंबरशिप को कस्टमाइज करना होगा कि आप उनको कितने रुपए में कितना पर्क्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे लेवल 1 में आप सिर्फ एक ही ऑप्शन दे सकते हैं, समझ लो बेसिक ऑप्शन, जिसमें कि आप उन्हें सिर्फ कुछ ही फीचर्स दे सकते हो और वो फीचर उनके लिए एज अ पर्क होगा। जैसे आप मेरे चैनल पे ही जाके देखो, मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो यहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन शो होगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब करने पे आपको ये ज्वाइन का बटन विजिबल हो जाएगा। सिंपली जब आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपको मेरे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो जब आप इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाओगे तो देखो, मैंने यहाँ पे अपने पेड मेंबर्स के लिए पर्क सेट करके रखा है। मतलब जो भी 29 रुपए पर मंथ की मेंबरशिप लेता है तो मैं उनको कुछ ये एडिशनल फीचर्स दूंगा। जैसे देखो, यहाँ पे मैं उनको अर्ली एक्सेस दूंगा अपने वीडियोस का, मतलब मैं अपनी न्यू वीडियो सबसे पहले उनको दिखा सकता हूँ, या फिर समझो मैं अपनी वीडियो को सिर्फ मेंबर के लिए ही अपलोड भी कर सकता हूँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे उनको प्रायोरिटी रिप्लाई भी दूंगा, मतलब उनकी किसी भी कमेंट का मैं सबसे पहले रिप्लाई दूंगा। फिर मैं अपने मेंबर को शॉर्ट आउट भी दूंगा, और फिर अगर उनको अपना फोटो या फिर स्टेटस लगवाना है तो मैं उसे भी ऐड करूंगा। और उसके साथ साथ जब वो मेरे वीडियोस पे कमेंट करेंगे तो उनका कमेंट कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा, जिससे सबको पता चल जाएगा कि हाँ, उन्होंने मेरा मेंबरशिप
डिस्प्ले रखा है। तो दोस्तों इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे लेवल 1 पे क्लिक कर देना है। देखो दोस्तों अगर आप चाहो तो यहाँ पे 3 या 4 लेवल का भी मेंबरशिप क्रिएट कर सकते हो, उसका भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो सिंपली आप यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक कर देना, फिर आपको इस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पे अपने लेवल का नेम सेट कर देना है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे जो भी चाहो वो नाम सेट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे मेंबर ही फिल कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे मंथली प्राइस भी सेट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे सिंपली 29 रुपीज ही सेट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके सब्सक्राइबर आपके मेंबरशिप को ज्यादा रुपए पे भी खरीद लेंगे तो आप इसको ज्यादा पे भी सेट कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से पर्क्स भी ऐड कर सकते हो, और कुछ पर्क्स तो आपको डिफॉल्ट भी आते हैं। मैं बेसिकली इन्हीं को ऐड रहने देता हूँ, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर से इतने सारे पर्क्स है उनको ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो कस्टम पर्क्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हो। देन आपको यहाँ से बैक हो जाना है, फिर आपको यहाँ पे सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पे इन तीनों पे टिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब देखो दोस्तों ये जो है अब ये यूट्यूब के पास रिव्यू के लिए चला जाता है, फिर 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम लगता है, फिर ये अप्रूव्ड हो जाता है। जब भी आपका अप्रूव्ड हो जाएगा तो आपको एक मेल आ जाएगा। मेरा तो ये 10 से 12 घंटों में ही अप्रूव्ड हो गया था। तो आपको अगेन यहाँ पे YT स्टूडियो ऐप को ओपन कर लेना है, और फिर यहाँ से अर्न वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको ये अप्रूव्ड शो हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉन्च मेंबरशिप पे क्लिक कर देना है। और अगर आप इसको वापस से कस्टमाइज करना चाहते हो या फिर कुछ एडिट करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से लॉन्च मेंबरशिप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपका मेंबरशिप से जो भी अर्निंग होगा उसका पैसा आपको यहीं पे शो होगा। और देखो दोस्तों मेंबरशिप के पैसे से YouTube सिर्फ 30% ही लेता है और बाकी का 70% वो आपको दे देता है। तो अब चलते हैं दोस्तों इस शॉप वाले फीचर पे। तो यहाँ पे आपको 3 मर्चेंट शॉप दिख जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं Shopify की। तो Shopify में आप बहुत तरह के सामान बेच सकते हैं, लाइक क्लॉथेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेकोर्स एक्सेट्रा। जैसे आपको Flipkart या Amazon पे मिलता है ना ब्रॉड सामान का कलेक्शन, बिल्कुल उसी तरीके से। बट दोस्तों ये फ्री नहीं है, इसको यूज करने के लिए आपको इसका मंथली प्रीमियम लेना होगा, जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसको यूज करना है तो आप इनकी ये वीडियो देख लेना, इन्होंने इसमें Shopify का कंप्लीट ट्यूटोरियल बताया है। फिर वहां से आप इसका अकाउंट क्रिएट करना सीख करके यहाँ पे सिंपली लॉग इन कर लेना। अब आते हैं दोस्तों बाकी दोनों मर्चेंट शॉप्स पर। ये दोनों दोस्तों बिल्कुल फ्री है, बट इस स्प्रीड शॉप वाले वेबसाइट से आप सिर्फ क्लॉथेस और मग वगैरह में अपना कस्टमाइज लोगो लगाकर बेच सकते हो। तो इसमें आपको कुछ भी बेचने का फ्रीडम नहीं मिल पाता। बट दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंडियन मार्केट के लिए नहीं है। मतलब अगर आपके सब्सक्राइबर या फिर आप इससे कोई ऑर्डर करते हो तो उनको इंडिया में ट्रांसपोर्ट करवाने का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इस पे अकाउंट बनाना है तो आप इनकी ये वीडियो देख सकते हो। बट दोस्तों अगर आपका चैनल इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं है तो आप इसमें इजीली अकाउंट बना सकते हो और उससे अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं इस लास्ट वाले वेबसाइट स्प्रिंग पर। दोस्तों ये भी बिल्कुल स्प्रीड शॉप जैसा ही है, एक प्रिंटिंग डिजाइन करने वाला शॉप। लेकिन इस पे अगर आपको अपना अकाउंट कनेक्ट करना है तो आपके मिनिमम 1,00,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। समझो दोस्तों ये भी अपने काम का नहीं है, मतलब अभी तो मेरे काम का नहीं है। अब देखो दोस्तों ये जो Shopify है आप इसका यूज करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि ये इंडियन मार्केट के लिए अवेलेबल है और फिर वहीं पे ये स्प्रीड शॉप और स्प्रिंग इंडियन मार्केट के लिए है ही नहीं, तो इनमें पैसे कमाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों मैं तो अभी इन तीनों में से किसी को यूज नहीं करूंगा। दोस्तों अगर आप इस शॉपिंग वाले फीचर्स को यूज करते हो तो उसका जो भी अर्निंग रहता है वो डायरेक्ट आपको मिल जाता है, मतलब इसमें YouTube कोई कमीशन नहीं काटता जहां तक मुझे पता है। और अगर कोई कमीशन काटता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। अब देखो दोस्तों बात करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपने ऑडियंस को अपना सामान बेच सकते हो तो आप सिंपली Amazon का एफिलिएट अकाउंट बना लो। उसमें आप इजीली किसी भी सामान को सेल कर सकते हो सिर्फ अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे करके। और अगर आपको एफिलिएट अकाउंट बनाना नहीं आता या फिर अगर आपको पता ही नहीं है कि एफिलिएट अकाउंट क्या होता है Amazon का, तो आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप सब समझा कर रखा है और अकाउंट कैसे बनाना है उसका भी कंप्लीट ट्यूटोरियल देकर रखा है। देखो दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है और कोई लिमिटेशन भी नहीं है। वैसे मैंने सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो अब आ जाते हैं बाकी इन दोनों फीचर्स पर। ये जो है दोस्तों वॉच पेज एड्स, इसमें आप अपने लॉन्ग वीडियोस पर एड्स रन करवा सकते हो। और ये जो है दोस्तों शॉर्ट्स फीड एड्स, इसे आप अपने शॉर्ट्स वीडियो पे एड्स इनेबल कर सकते हो। बट दोस्तों इन दोनों फीचर्स को यूज करने के लिए आपके चैनल पे मिनिमम 1,000 सब्सक्राइबर, उसके साथ साथ मिनिमम 4,000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हो। और अगर आप शॉर्ट्स बनाते हो तो 1,000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन का व्यूज होना चाहिए। खैर दोस्तों मेरा तो अभी ये क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा अगर आप थोड़ा सपोर्ट कर दो तो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके। दोस्तों जब भी मेरे चैनल का ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा मैं इस पे एक कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा। क्योंकि दोस्तों मेरा ये चैनल अभी हाफ मोनेटाइजिंग हुआ है, इसलिए मुझे इसको इनेबल करने का अभी ऑप्शन मिला ही नहीं है। पहले अगर आप जानना चाहते हो कि हाफ मोनेटाइजेशन क्या होता है और अपने चैनल को हाफ मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, तो मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप इसको प्लीज चेकआउट कर लो। और अगर आपको जानना है कि वीडियोस को यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने का सही तरीका क्या है, आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर लो। दोस्तों आप इनमें से किसी पर भी आ जाओ, मैं आपको वहीं मिलूंगा।